जाने क्यों मेरी दुनिया ठहर जाए, तू जाए तो जाने क्यों तेरा चेहरा नजर आए। वेलकम बैक टू माई चैनल पी हो सकते हैं ऑलराउंडर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और हम सब ने 2024 में पैर रख दिया है, कदम रख दिया है। तो पहले तो आप सब लोगों को हमारी पूरी फैमिली की तरफ से, मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर केक भी है और साथ ही साथ हैप्पी न्यू ईयर के साथ हमारी प्यारी सी सिस्टर हैं जिनका नाम पुष्पा सिस्टर है, मतलब पुष्पा जी, और मैंने प्यार से उनका नाम प्रतिमा सिस्टर, प्यार से क्या धोखे से ही रख दिया, लेकिन वो प्यार का नाम हो गया। और हमारी पीहू बेटा का हैप्पी बर्थडे, तो आप दोनों को हैप्पी बर्थडे दिल से, हमेशा खुश रहिए। और चलिए आज मैंने क्या क्या किया आज नए साल के दिन और 31 दिसंबर लास्ट साल में क्या क्या किया, सारी चीज़ आपके साथ शेयर करी। तो चलिए वीडियो देखते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, कमेंट करिएगा, खूब सारी खुशियाँ बांटिएगा, खूब खुश रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और न्यू है तो जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा छोटा सा प्यारा सा। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो गाइस 31 दिसंबर लास्ट साल को भगवान जी ने, लास्ट साल को सुबह का जो मॉर्निंग का एक तारीख का है 24 2024, और 1 जनवरी भगवान से पूजा करी और प्रार्थना करी कि आपने 2023 भी हमारा अच्छा निकाला है और अब तक बहुत अच्छी लाइफ ठीक चली, और ये भी अच्छा रखिएगा हमारा भी, हमारी प्यारी यूट्यूब फैमिली के भी। और उसके बाद हम सब आ गए चाय पीने को, तो आइए आप सब भी चाय पी लीजिए, और बाहर बैठ के ही चाय पी रहे हैं। और बहुत ठंड है आज, 2 दिन से ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये वाला जो आप ये देख रहे हैं ना वीडियो, तो ये वीडियो मॉर्निंग का है, और ये 31 तारीख से लेकर 31 दिसंबर की मॉर्निंग से लेकर आज 1 जनवरी तक का ये वीडियो है जो आप लोग देख रहे हैं। तो हम सब चाय पी रहे थे, आयुष भी है, और पीयूष तो अंदर सो रहा था, हम लोग उठ के बाहर ही आग भी हाथ हाथ भी सेकते, सारा काम हो गया, मैं भी नहा वहा के बैठी हुई हूँ। और नाश्ता वास्ता करने के बाद 10-15 मिनट बाद बच्चों का आज डिमांड था, तो नया साल है तो चाउमीन तो बनती, तो मैंने सबके लिए चाउमीन भी बनाई थी। तो यहाँ पर आप लोग भी खा लीजिए, और आपको आज एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए ये क्या है। आपको धोखे में आप भी हो रहे होंगे ना, इसी तरह मैं भी बहुत धोखे में रहती थी, मार्केट जाती थी ना, मुझे भी कहीं से जानकारी मिली कि ये क्या है, मैं इसको ना अदरक समझती थी, आप भी अदरक समझ रहे होंगे। और आपने अदरक, लेकिन ये अदरक नहीं है, ये ना आपने सूखी हल्दी तो देखी होगी, हल्दी गाठ, तो ये हरी हल्दी, हरी हल्दी क्या, पीली हल्दी, कच्ची हल्दी है। आप ये देखिए, और ये हल्दी हमें जानकारी, मतलब जानकारी मुझे मिली तो आपको भी मैंने सोचा आप लोगों को बता दें, ये हल्दी की सब्ज़ी बनती है, बहुत टेस्टी भी, बहुत टेस्टी नहीं कहेंगे, ना तो बहुत टेस्टी, ना तो बहुत ना तो अच्छी ना तो बुरी, मतलब बीच की। और आप हल्दी के बारे के, मतलब चमत्कार के बारे में तो आपको क्या बताएं, इसकी क्या है वो तो आप जानते हैं, काटते काटते हाथ पीला हो गया, बस बारीक काट लीजिए। और इसके बाद ना इसको तड़का, जीरे से तड़का लगाइए, नमक डालिए, मिर्च डालिए, काली मिर्च पाउडर वगैरह, गरम मसाला थोड़ा सा, मतलब जो चीज़ थोड़ी थोड़ी सी डाल के, सूखी सूखी सी पक जाने दी, हल्दी डालनी नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी हल्दी है, ये हेल्थ के लिए बहुत उपयोगी है, आप लोग खुद जानते हैं। और स्वाद ना देखकर अगर आप चाहते, मतलब एक बार ट्राई करिएगा, और मार्केट में मिलती है, देखने में अदरक जैसी होती है, लेकिन काटने में देखिए आप काटे नेचुरल कलर हाथों का एकदम येलो कलर हो जाता है, पीला पीला, बस ऐसे छोटी छोटी काट लीजिए और फिर आप बना लीजिए, ये देखिए। और मैंने बनाना बताया, वैसे बना लीजिएगा जैसे चुकंदर का स्वाद लगता है ना, चुकंदर की अगर सब्ज़ी आपने खाई होगी तो वैसे ही स्वाद लगता है, थोड़ा बहुत तो वैसे ही लगता है, लेकिन हाँ फ़ायदेमंद बहुत होती है हल्दी का, तो मैं क्या तारीफ़ करूँ, आप खुद जानते हैं। और ये लीजिए, हम यहाँ पर बना रहे हैं वेज बिरयानी, और मतलब बनी चुकी है, इसमें धनिया डाल दिए, यहाँ धनिया भी डाल देंगे, उसको ढक देंगे। आज सबका भी मन था कि वेज बिरयानी खानी है, तो वेज बिरयानी बनाई। और यहाँ पर मैंने प्याज का रायता बनाया है,
ये मतलब क्या कहेंगे इसको, मट्ठा था। मट्ठे में प्याज घिस के डाल दी, नमक डाल दिया, लाल मिर्च डाल दी, बस बूंदी नहीं, प्याज का रायता, प्याज का रायता खाने का मन था। जैसे एक प्याज को मैंने घिस लिया था, और इसको ना इसमें नमक, काला मिर्च वगैरह और धनिया वगैरह डाल देंगे, टेस्टी लगती है। प्याज का भी रायता आपने अगर खाया होगा तो अच्छा लगता है। तो ये प्याज का रायता हमारा तैयार हो गया है। और चलिए एक काम कर देते, ये ना कैलेंडर जो पुराना हमारा, अब तो चला गया 2024, ठीक है, तो यहाँ पर हम ना कैलेंडर भी चेंज कर देते हैं। तो अभी वेलकम करते हैं 2024 का, 2023 चला गया और 24 हमारा आ गया है। तो चलो लगा देते हैं, गणेश जी हैं हमारे, श्री गणेश करते हैं। और कैलेंडर हमने चेंज कर दिया है, आपने किया कि नहीं किया बताना जरूर। और आज नया साल तो है और दो लोगों का बर्थडे भी है, दो लोगों का मैंने पहले ही आपको बताया है। तो यूपी ब्लॉगर प्रथम मॉम आप लोग जानते हैं, और उनको मैं प्रथमा सिस्टर बोलती हूँ, और उनकी बेटी पी हूँ, दोनों का बर्थडे है माँ बेटी का। तो यहाँ पर ना आज मैंने इनसे इनका चटनी पीसो, चटनी हमने अच्छा तुम पीस के देखो कितनी, मैंने कह रहा आज मैं पीसूँगा, तो आज इन्होंने चटनी पीसी। और ये सब होने के बाद सबको पापा को खाना दे दिया, दिन में पापा ने भी खाना खा लिया। और शाम को ना तैयारी करनी है ना केक कट करने की, तो भाई नए साल का भी केक कट करेंगे। और हमारी प्यारी सिस्टर का बर्थडे है और पीहू बेटा का भी बर्थडे है, तो अब इतनी पास तो है नहीं, दूर है, लेकिन कोई बात नहीं, नए साल का भी केक कट करेंगे और उनके बर्थडे का भी केक हम लोग सब लोग कट करेंगे। और सब लोग यहाँ पर धूप सेक रहे हैं, हमारा चिंटू, हमारे पैरेट क्यूटी एंड क्यूटू। और हो गई रात, यहाँ से समझ लीजिए 5 सेकंड या कुछ बचे हैं, तो अब हम केक कट करेंगे। और यहाँ पर हमारी प्यारी सिस्टर और प्यारी से बेटी रानी का भी बर्थडे है ना, तो उनका भी हिस्सा काट लेंगे, तो आप लोग देख लो। और सिस्टर आ जाइए, आपका केक तैयार है, मतलब न्यू ईयर का भी है, और आप लोग भी मेरी प्यारी। तो गाइस हम आपको बता दें, बहुत बड़ा धूमधाम से नहीं, मतलब अभी धूमधाम से क्या, फैमिली साथ में हो, छोटा हो या बड़ा हो तो अच्छा लगता ही है। छोटा सा केक कट किया है करेंगे, और बस आपको बता रहे हैं आपकी जो पीहू सिस्टर है ना, घर के साथ साथ बाहर भी काम करने लगी है, इसीलिए अपनी यूट्यूब और अपनी यूट्यूब फैमिली को टाइम नहीं दे पाती है, और जल्दी टाइम नहीं दे पाते और आपके घर भी जल्दी नहीं आ पाते, तो उसके लिए सॉरी यार, क्या कर सकते हैं। और इतना स्पीड से जब हमने मेहनत करी है ना, तब जाके यहाँ पर हमारी गाड़ी पटरी पे आई है, तो आपको बता देते हैं। लेकिन हाँ, ये भी बताएंगे जॉब हम क्या करते हैं, समय आने पे ज़रूर बताएंगे, लेकिन आप इतना जान लीजिए अभी आपकी पीहू सिस्टर बिजी, बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। आप लोगों को, बहुत लोगों के मन में बहुत सारी बातें आती हैं, मोनो के बाद क्या कहेंगे घमंडी हो गया, ऐसा नहीं होता है, सबको नहीं होता, लेकिन हाँ मेरी लाइफ में आपने हर चीज़ देखा है, स्टार्टिंग से लेकर हमेशा देखा हर चीज़, तो वैसे ही है, बस बिज़ी हो गई हूँ घर के साथ बाहर का काम, और प्लस यूट्यूब को संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है बस, लेकिन करती हूँ जब टाइम मिलता है। आप लोग तो जब भी टाइम मिलता है थोड़ा बहुत वीडियो शूट करके डाल देते हैं। तो उल्टा है ना, वो फ्रंट कैमरा इसलिए लग रहा है, तो चलो कट करते हैं। ये लोग तीन लोग पापा और बच्चे काटेंगे। काटो चुक्कू, जल्दी काटो चुक्कू। कहाँ है? अरे कहाँ गया चुक्कू? जॉब 1 तारीख मतलब 2024 न्यू ईयर के दिन 1 जनवरी को
हमारी प्रतिमा सिस्टर, मैं प्रतिमा सिस्टर बोलती हूँ, बाकी आप लोग उनको पुष्पा जी के उससे जानते हैं। उनका आज के दिन बर्थडे भी है, उनकी बेटी पीहू का बर्थडे, तो हैप्पी प्रतिमा सिस्टर, हैप्पी बर्थडे, और पीहू बेटा हैप्पी बर्थडे, और आप सबके लिए केक, आप लोग भी केक खाइए, और पूरी हमारी पूरी फैमिली की तरफ से हमारी प्यारी पार्टी फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर। आपका ये आने वाला आया हुआ नया साल बहुत अच्छे से जाए, आपका भी मंगलमय हो, हमारे भी मंगलमय हो, और खूब सारी खुशियाँ हैं। तो वीडियो अगर जरा सा भी पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, नए साल के सब लोग मुबारकबाद बोलो, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। और जाते जाते खुद का ख्याल रखो, मम्मी पापा का ख्याल रखो, जिनसे प्यार करते हो उनका ख्याल रखो। ओके फैमिली, बाय बाय।